अस्सलाम वालेकुम, आज हम आपको रमजान प्रिपरेशन करने वाले बताने वाले हैं। आप इस तरह से रमजान से पहले बना के रखें और रमजान में निकाल के यूज कर लें। तो इसमें आपको थोड़ी सी आसानी होगी, एक काम करने में बहुत ही टाइम लगता है। अभी हम पूरियां बनाने के लिए यहाँ पे हमने 4 कप मैदा लिया है, 2 चम्मच नमक डालेंगे, पानी डाल के गूंद लेंगे। अभी हम इसका टाइट आटा गूंद के 10 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। 10 मिनट के बाद हम इसके पेड़े बन लेंगे और रोटियां बना लेंगे। काटा चम्मच से छेद कर लेंगे। जिस साइज की पूरियां बनानी है उस साइज के इस तरह से कट लगा लेंगे। सारी पूरियां इस तरह से बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। यहाँ पे हमने ऑयल गरम होने रख दिया था, यहाँ पे हम लो फ्लेम पे सारे पूरी फ्राई कर लेंगे। ये पूरी आप सेव पूरी बटाटा पूरी के लिए ले सकते, भेल पूरी या किसी भी चाट में भी डाल सकते हो। तो देखिए, हमने इसे लो फ्लेम पे फ्राई कर लिया। अभी हम इसी तरह से सारी फ्राई कर लेंगे। इन पूरियों को आप भर के एयर टाइट डब्बे में कितने भी दिन के लिए रख सकते हैं। अभी हम पानी पूरी की पूरियां बनाने के लिए 2 कप सूजी लिए, 2 कप मैदा लेंगे, नमक डालेंगे और बेकिंग सोडा डालेंगे थोड़ा सा। नॉर्मल पानी लेंगे और आटा डाइस सा गूल लेंगे। इसे भी हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। दस मिनट के बाद इसे एक बार गूल लेंगे। पेड़े बना लेंगे और रोटियां बेल लेंगे। फिर आपको जिस साइज की पूरियां बनानी है आप उस साइज के इसे कट कर सकते हैं। इन पूरियों को भी हम साइड में निकाल के रखते जाएंगे। इस पूरियों को आपको ढक के रखना है। 10 मिनट के बाद इसे भी हम लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे।
तो ये देखिए हमारी पानी पूरी की पूरियाँ कितने अच्छे से फूल चुकी है। इससे भी आप दही पूरी और पानी पूरी के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी पूरियाँ बनी हैं, इसे तो हम सारे रेडी करेंगे। अभी हम खट्टी मीठी चटनी रेडी करेंगे। हमने आधा किलो इमली को भिगा के रखा था ओवरनाइट के लिए। फिर हमने इसका पल्प निकाल लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे 1 किलो गुड़। ये आपको जितना मीठा पसंद है आप उतना भी डाल सकते हैं। और इसे गैस पर पकने के लिए रख देंगे। मैंने 1/2 कप रेड चिली पाउडर डाला है। यहाँ पे हमने 4 चम्मच नमक डाला है। आप जितना डालना चाहते हैं वो आप उतना डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह से गाढ़ा होने तक पका लेंगे। मैं चटनी भी पक चुकी है। अभी हम इसका गैस बंद करेंगे और इसे ठंडा होने रख देंगे। यहाँ पे हमने प्याज लिया जिसे हमने इस तरह से कट कर लिया है। एक बार हाथ से इस तरह से मसल लेंगे। कढ़ाई में हमने ऑयल का नमूने रख दिया है। अभी हम हमारे प्याज को एकदम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। देखिए इस तरह का कलर आने के बाद हमारे प्याज को निकाल लेंगे। हम स्ट्रेनर पे ही थोड़ी देर के लिए रखेंगे। आपके पास अगर टिश्यू पेपर है तो आप उसे इस पे भी निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारे बहुत ही अच्छे फ्राई ऑनियन रेडी हो चुके हैं। आप इसे इस तरह से बना के रखते जाएंगे रमजान महीने में तो ये आपके काम आ सकते हैं। यहाँ पे हमने कढ़ाई लिया जिसमें हम ऑयल डालेंगे, बारीक कटी हुई लहसुन डालेंगे और बारीक कटी हुई अदरक डालेंगे। एक हमने मिर्च को कट कर लिया, उसे डालेंगे। एक प्याज कट करके डालेंगे। वहीं से गाजर तेल से शिमला मिर्च, पत्ता गोभी डालेंगे। आपको इसके अंदर जितनी सब्जियां डालनी है आप उतने मन के हिसाब से डाल सकते हैं। हमने चिकन को बॉईल कर लिया था, उसे डालेंगे। बॉईल करके हमने इस तरह से इसे स्ट्रेट कर लिया। दो तीन मिनट के लिए पका लेंगे। सोया सॉस डालेंगे, विनेगर डालेंगे, कुटी हुई काले मिर्च डालेंगे। नमक डालेंगे, मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए पका के 1 मिनट के लिए पका लेंगे और गैस बंद कर देंगे। यहाँ पे हमने मैदा लिया जिसमें हम डालेंगे नमक, पानी लेंगे और टाइट आटा गूंद लेंगे। आटे को 10 मिनट के लिए ढक कर रखेंगे।
छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। पेड़े को हम बेल लेंगे। सारी पूरी हमने इस तरह से रेडी कर ली है। एक पूरी लेंगे और उस पे ऑयल लगा लेंगे और मैदा डालेंगे। स्टोव पर दूसरी पूरी रखेंगे। अभी हम ऑयल लगा लेंगे, मैदा लगा लेंगे और तीसरी पूरी रखेंगे। आप 2, 3, 4 और 5 जितने आप सब बेल सकते हैं आप उतने बेल सकते हैं। इसी तरह हम सारे रेडी कर लेंगे। अभी हम इसके पतली रोटी बेल लेंगे। इसी तरह सारे बेल के साइड में रखते जाएंगे। यहाँ पे हमने एक तवे को गर्म होने रख दिया। 1-1 मिनट के लिए हम रोटियों को सेक लेंगे और इसे निकाल के ढक के रखेंगे। रोटियों को थोड़ी देर बाद ये आसानी से रोटियां निकल जाती है। तो ये देखिए हमारे कितनी पतली शील्स बनी है। अभी इसके हम साइड्स कट कर लेंगे। देखिए हमने कितने सारे शील्स बना लिए।
थोड़ा सा मैदा लेंगे जिसमें हम पानी डाल के रख लेंगे। एक रोल पट्टी लेंगे। हमने जो स्टफिंग बनाई है उसे रखेंगे। मैदे और पानी का घोल रेड किया, उसे लगा लेंगे। और इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसी तरह हम सारे रोल बना के रखते जाएंगे। अभी हम यहाँ पे थोड़े से स्प्रिंग रोल फ्राई करेंगे। तो स्प्रिंग रोल बहुत ही टेस्टी बने। एयरटाइट डब्बे में आपको सारी चीजें रखनी है, जो पानी पूरी की पूरियां, सेव पूरी की पूरियां, इमली की चटनी, पे हमने लहसुन को भी छिल के रख लिया। आप ये सारी चीजें बना के रखेंगे तो आपको थोड़ी सी आसानी होगी। तो अगर आपका आज वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।